ईश्वर की ज्योति का ध्यान करना कम करता चला जाता है और 12 की अवस्था होते होते उसकी वह आंख करीब करीब निष्क्रिय जैसी हो जाती है। हमारे पूर्वजों को ये रहस्य पता था, मनुष्यों को ये रहस्य पता था, तो हमारे सनातन धर्म में एक संस्कार होता है जिसको आप उपनयन संस्कार कहते हैं, जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं और नेपाली में उसको कहते हैं व्रतबन्ध। आप सब जानते होंगे, आपने इसका नाम सुना होगा। आजकल भी ये संस्कार की फॉर्मेलिटी की जाती है और उस समय उसको गायत्री मंत्र सुनाया जाता है, गले में जनेऊ डाल दी जाती है और कहते हैं तुम्हारा उपनयन संस्कार हो गया। पर सज्जनों, ये वास्तविक उपनयन संस्कार नहीं हुआ कि वास्तव में उसका ध्यान करने से क्या होता है। हम कॉलेज पढ़ रहे थे कलकत्ता में, हमारा फाइनल ईयर का एग्जाम था, परीक्षा थी, अच्छा रिजल्ट लाना है। तो हम 5 दोस्तों ने प्लान किया कि हम एक कमरे में बैठ के पढ़ेंगे, पूरी मेहनत से पढ़ेंगे जिससे हमारे डिस्टिंक्शन आए, अच्छे मार्क्स आए। एक कमरे में हम 5 साथी मिलकर पढ़ने लगे। उसमें एक अजीब बात हो गई, हमारा एक दोस्त क्या करता था, सुबह 1 घंटा आंख बंद करके बैठ जाता था, शाम को 1 घंटा आंख बंद करके बैठ जाता था। हम साइंस के विद्यार्थी, धर्म को न मानने वाले, भगवान को न मानने वाले, क्योंकि वही साइंस ने सिखा रखा था। हम परेशान हो गए, ये कैसा दोस्त है, कैसा पागल है जो 1 महीने 1.5 महीने बाद परीक्षा है और रोज का 2 घंटा बर्बाद करना परीक्षा के दिनों में कितनी बड़ी बात होती है। जो विद्यार्थी लोग इस बात को समझेंगे, 1 घंटा सुबह आंख बंद करके बिना कुछ किए बैठा रहता है, 1 घंटा शाम को बैठता है। हमने उसको समझाया कि भैया ऐसा मत करो, तुम्हारी परीक्षा खराब हो जाएगी, तुम्हारे माता पिता ने इतना पैसा खर्च करके कलकत्ता भेज रखा पढ़ने के लिए, क्यों उनका पैसा बर्बाद कर रहे हो। अरे धर्म वर्म कुछ नहीं होता, साधुओं का तो ये धंधा है लोगों को बेवकूफ बनाने का, क्यों इस चक्कर में पड़े हो। बहुत कुछ समझाया हमने, पर वह हटी माना ही नहीं, ना हमसे बहस करता था। अब हमने कहा इसकी पढ़ाई चौपट हो गई, इसका जीवन बर्बाद हो गया, पता नहीं किस साधु के चक्कर में पड़ गया, इसका ब्रेन वॉश हो गया, अब क्या करें। चलो पढ़ाई करते रहे, समय आया परीक्षा दी। हमारे समय में कलकत्ता यूनिवर्सिटी जिसको आजकल कोलकाता कहते हैं, वो बहुत कठिन एग्जाम के मार्क्स मिलते थे, तो 50% में डिस्टिंक्शन मिल जाता था, जो आजकल 80% में मिलता है। हमारे समय में ऐसी टफ मार्किंग थी। पढ़ने में हम लोग सभी ठीक थे, जब रिजल्ट आया तो देखा सभी का डिस्टिंक्शन था, किसी का 52% था, किसी का 54% था, किसी का 58% था। पर हमको चिंता उस दोस्त की हो रही थी, पास भी होगा कि नहीं होगा, क्यों वो तो साधु के चक्कर में पड़ गए, पढ़ाई चौपट कर रखी है उसने। उसका रिजल्ट उसके नाम के आगे भी देखा, डी लिखा हुआ, डी माने डिस्टिंक्शन। अरे इस बुद्धू का कैसे डिस्टिंक्शन आ गया। जब मार्कशीट आई देखा, उसकी मार्कशीट में थे 76.5%, 76.5%। अब हमारी खोपड़ी घूमी, उस समय का 76% समझिए अभी का 90-95% आजकल की मार्किंग के हिसाब से। एक क्लास रूम में पढ़े हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ बैठ के एग्जाम दिया, पढ़ बगल बगल में बैठ के एग्जाम दिया, नकल भी नहीं मारी उसने, कोई नकल मारने का उसका नेचर भी नहीं था। साथ खाए, साथ पढ़े, सब कुछ एक साथ किया है। वो रोज 2 घंटा बर्बाद करता था, हम बर्बाद नहीं करते थे। पर उसका IQ लेवल भी हमसे ऊपर का नहीं था, एक जैसा लेवल था हमारा। तो इसके आए तो कैसे आए, हम गए उसके पास, हमने कहा भैया बताओ ये चमत्कार क्या हुआ, या तो देने वाले ने गलती से लिख दिया 37 को 36 को 76 बना दिया, तुम्हारे मार्क्स आए तो कैसे आए। वो क्या कहता है, कहता मैं तो 80 से ऊपर की आशा कर रहा था, ये मेरे मार्क्स कम आ गए। देख लो क्या दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, वैक्यूम दिखेगा, आंख बंद करने से तो अंधेरा दिखता है, तुमको ज्योति कैसे दिखाई देती है। बोला नहीं, मैं तो जब आंख बंद करता हूं मुझे ज्योति दिखाई देती है, उसका मैं ध्यान करता हूं। हमने कहा ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, हमें क्यों नहीं दिखाई देता। तब वो कहता है, बोला मुझे 2 साधु मिले जिन्होंने मुझे अंदर उस ज्योति का दर्शन करा दिया, तब से जब भी मैं आंख बंद करता हूं मुझे ज्योति दिखाई देती है, अंधेरा दिखाई नहीं देता। हमें
कुछ विश्वास हुआ कुछ नहीं हुआ कि कैसे हो सकता, अंदर तो अंधेरा है, ज्योति कहां से आ जाएगी। हमने कहा वह साधु है यहां पर, बोला हाँ है, अभी कहाँ है, बोला नूतन बाजार में है। पहले उस समय आश्रम नहीं था कलकत्ता में, एक प्रेमी का घर था सत्यनारायण करके, जो खामगांव के चला गया बाद में, उसके यहाँ दो महात्मा ठहरे हुए थे, महाराज जी के शिष्य थे। अब उस समय तो हमें ये कुछ मालूम नहीं था, हम गए, हमने कहा उस, बोला है, तो हमने कहा चलो हम जाते हैं, हम देखते हैं क्या है ये। मन में उठे जिज्ञासा हुई कहाँ तक सत्य और झूठ है। गए तो सचमुच में दो साधु थे। पूछा भाई आप लोग किस लिए आए हो, अब हम तो नास्तिक स्टूडेंट कुछ जानते नहीं थे। हमने कहा हमने सुना आप ज्योति का दर्शन कराते हो, ज्योति देखने आए हैं। बोले आप लोग किस भगवान को मानते हो, किस धर्म को मानते हो। अब हम तो सच बोलने की आदत थी उस समय, हमने कहा हम तो नास्तिक हैं, धर्म वगैरह तो नहीं मानते, साइंस के स्टूडेंट हैं, पर हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ इसलिए हम ज्योति को देखने आए हैं, जो था सच का। अब पता नहीं गुरु महाराज की क्या कृपा हुई, क्या प्रेरणा हुई, बोले अच्छा कल आ जाना। हमें यह भी पता नहीं था, कुछ फूल प्रसाद लेके जाना, पॉकेट में हाथ डाल के चले गए थे दोनों, कि ये जानते नहीं थे कि कुछ प्रणाम करना होता है, कुछ प्रसाद ले जाना, कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि कभी को कनेक्शन था ही नहीं। ये इंटरेस्ट जरूर था कि भाई दोस्त ने अगर अंदर ज्योति देखी है, कैसी ज्योति है जिसका ध्यान करने से ब्रेन इतना पावरफुल होता है। सज्जनों गए, खैर आगे की लंबी कथा है, पहले तो हमें हटा दिया गया कि ये लड़के पता नहीं ऐसे आ गए हैं, फिर कर आगे गुरु महाराज की कृपा हुई, हम उस कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। और जब हमें अंदर का दर्शन मिला सज्जनों, उसने आज जीवन बदल दिया, आपके सामने ऐसे खड़े होके बोल रहे हैं। और सज्जनों सचमुच उस ज्ञान के अंदर, उस ध्यान के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। मैं युवा भाई बहनों को कह रहा हूं अपनी तरफ से, क्यों, मैंने युवा अवस्था में प्राप्त किया उस चीज को, उसके चमत्कार को, उसके पावर को मैंने यूज करके देखा है कि आप जब साधना करते हो, मेडिटेशन करोगे उसका, आपके अंदर इतने गुण आएंगे, इतनी शक्तियां आएगी, इतनी आपकी क्षमता बढ़ जाएगी कि आप संसार में कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आज कंपटीशन का जमाना है, कैसे करोगे आप, कैसे पास करोगे, कैसे सक्सेस होगे, क्या है आपके पास, कुछ नहीं है। कितने घंटे पढ़ लो, पढ़ने से बायां ब्रेन विकसित होता है, दाहिना नहीं होता। पढ़ लो साइंस की किताबें, ढूंढ लो इंटरनेट पे, जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। दाहिने को विकसित करने के लिए तो सज्जनों आत्मज्ञान लेना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। और आत्मज्ञान हर एक गुरु नहीं दे सकता, हर एक गुरु देता तो समय के महापुरुष की आवश्यकता नहीं होती। समय के सदगुरु महाराज ही वो आत्मज्ञान दे सकते हैं, वो दर्शन करा सकते हैं, हर एक नहीं करा सकता। हम ये नहीं कहते कि आप हम यहीं आकर सीखो, मानव धर्म की संस्था में आकर सीखो, आप जाओ किसी गुरु के पास, जाओ किसी संस्था में और कहो मुझे दर्शन करा दो, करा दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ये दरबार आपके लिए खुला है जहां आपको बिना किसी फीस के, बिना कोई चंदे के, बिना किसी चीज के आपको उसका दर्शन करा दिया जाएगा। हमारा एक प्रोग्राम हो रहा था कालिम्पोंग में, ये हमारे संत महात्मा ज्योति के ऊपर सत्संग सुना रहे थे। उसके बाद एक प्रोफेसर आया, जियोलॉजी का प्रोफेसर था वहाँ कालिम्पोंग कॉलेज का, कहने लगा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हमने कहा बोलिए। बोले आप लोग जिस ज्योति की बात करते हो उसका ध्यान मैं भी करता हूँ। हमने कहा आप कैसे करते हो। बोला हम एक बत्ती जलाते हैं और उसका ध्यान करते हैं। मैंने कहा भाई आपकी तो आंख है, आप ध्यान कर लोगे, अंधा आदमी कैसे ध्यान करेगा। भाई भगवान तो सबके लिए है, अंधे के लिए भी है, आप तो आंख वाले हो, बाहर की ज्योति का ध्यान कर लोगे, अंधा आदमी कैसे ध्यान करेगा। और शास्त्रों में तो बाहर की ज्योति का ध्यान करने के लिए नहीं लिखा है, अंदर की ज्योति का ध्यान करने के लिए लिखा है। तो कहने लगा ऐसा नहीं है, बाहर की ज्योति का ध्यान करते करते अंदर की ज्योति दिखाई देगी। मैंने कहा आपको कितने महीने हो गए। बोला एक साल हो गया। मैंने कहा अंदर दिखाई दी। बोला अभी नहीं दी है, कोशिश कर रहा हूं कभी देगी। अरे मैंने कहा हमारे गुरु महाराज जी पहले दिन ही अंदर दर्शन करा देते हैं। बोला सच। मैंने कहा हाँ, अब मैं भी साइंस का व्यक्ति, वो भी साइंस का व्यक्ति, साइंस वाला साइंस वाले की बात जल्दी मान लेता है, जैसे महात्मा जी सुना रहे थे खग जाने खगी की भाषा। तो वह सत्संग में आने लगा,
आश्रम में आने लगा, कालिम्पोंग आश्रम में आते आते उस समय आने पे दो चार महीने बाद उसको आत्मज्ञान मिल गया। आत्मज्ञान मिलने के बाद उसने उस संस्था में जाना बंद कर दिया जिसमें जाता था सुबह सुबह एक घंटे वह त्राटक करने के लिए। उनका कोई बड़ा प्रोग्राम था उस संस्था का 5-6 महीने बाद, उसमें उसको निमंत्रण दे के इन्वाइट किया गया। वो चला गया, बोला सचो पुरानी संस्था है, एक बार हो आता हूँ। तो दोस्त लोग पूछने लगे, भाई आजकल आप आते क्यों नहीं हो, क्या बात हो गई? तो वो क्या कहता है, बोला मेरा प्रमोशन हो गया, पहले मैं नर्सरी में पढ़ता था, अब अध्यात्म के कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। पहले बोला मैं बाहर ध्यान करता था, अब अंदर ध्यान कर रहा हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया, मुझे ये बच्चे वाला काम करने की जरूरत नहीं है। तो सज्जनों, आप और हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो हम समय के सदगुरु को हमने पहचाना और हमें यह आत्मज्ञान मिला। केवल लेके रखने से सज्जनों काम नहीं चलेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और आप अभ्यास करोगे, ये ज्ञान आपको सारी चीजें पूरी करता है, सारी चीजें देता है, ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्राप्त कराता है। और जो युवा भाई बहन है उनको इस आत्मज्ञान को अगर प्राप्त नहीं किया, आप जरूर प्राप्त करो। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ऐसे चमत्कार आपको मिलेंगे कि आप आश्चर्य करोगे। जब मैंने नया नया ज्ञान लिया था, लेकर के मैं कॉलेज खत्म करके घर आ गया वापस, वहाँ कोई भाई नहीं, महात्मा नहीं, कोई प्रेमी नहीं। अब नास्तिक व्यक्ति को एक साथ आत्मज्ञान मिल जाए तो दुनिया भर के प्रश्न आए, भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, ये क्या है, अब किससे पूछूं, कोई नहीं था पूछने बताने वाला। मैंने कहा यार इन प्रश्नों का मारो गोली, ध्यान करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। सुबह शाम अपना प्रैक्टिस करने लगा। एक हफ्ते बाद एक चमत्कार होने लगा, मेरे प्रश्न के उत्तर मेरे अंदर मिलने लगे। अरे मैंने कहा ये तो चमत्कारिक ज्ञान है। बाद में समझ में आया जब न्यूरोलॉजी पढ़ी कि प्रश्न करता है बायां ब्रेन और आंसर देता है दाहिना ब्रेन, अंदर ही हमारे सिस्टम है, खाली हमने उस सिस्टम को चालू करना है और ये आत्मज्ञान उस सिस्टम को चालू कर देता है। तो सज्जनों, इसलिए जो हमने शुरू में किया था, मंदिर असली अंदर है, अंदर के मंदिर को जब आप जानेंगे, अंदर के मंदिर में जब प्रवेश करेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, तब पता लगेगा अभी तक मैंने अपना समय, वो जैसे विवेकानंद जी कहते हैं कि बच्चे को देख के तो मुझे खुशी हुई, बुढ़े को देख के दुख हुआ। आप भी अपने जीवन को केवल बाहर तक सीमित मत रखिए, एक बार अंदर आइए। वो बुढ़िया की तरह सुई बाहर खंभे के नीचे जहाँ बत्ती जल रही वहाँ ढूंढने से नहीं मिलेगा, उसको आंगन में ही बत्ती जलानी पड़ेगी। ऐसे ही आपको भी अंदर जब ज्योति प्रकट हो जाएगी गुरु महाराज की कृपा से, संत महात्माओं के द्वारा जब आपके हृदय में ज्योति प्रकट होगी, तीसरा नेत्र जब खुल जाएगा, तब आपको आश्चर्य होगा अंदर साक्षात प्रभु ज्योति रूप में विराजमान है, जिसका ध्यान करने से हमें ये जन्म भी हमारा सफल होगा, अगला जन्म भी सफल होगा। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। जब उसे मिल गई ले जब से मिल गई ले गुरु जी हमारा, बाहर आईने जिंदगी में। जब से मिल गई ले गुरु जी हमारा, बाहर आईने जिंदगी में। जब से मिल गई ले बिबू जी हमार, बाहर आईने जिंदगी में। बाहर आइल जिंदगी में, बाहर आइल जिंदगी में, बाहर आइल जिंदगी में, बाहर आइल जिंदगी में। जब से मिल गए ले ओ जब से मिल गए ले दाता जी हमार, बाहर आइल जिंदगी में। जब से मिल गए ले गुरु जी हमार, बाहर आइल जिंदगी में। मिल गए ले गुरु जी हमार, बाहर आइल जिंदगी में। यो
पहले तो दुनिया में कछु ना सुझात रहे, देख सुनी दुनिया में कछु ना बुझात रहे। हाँ पहले तो दुनिया में कछु ना सुहात रहे, हाँ देख सुनी दुनिया में कछु ना सुझात रहे। अब तो सगरो अब तो सगरो भैले उजिया बाहर आई जिंदगी में, अब तो सगरो भैले उजिया बाहर आई जिंदगी में। जब से मिल गई ले ओ जब से मिल गई ले बिभू जी हमार बाहर आई जिंदगी में, दुनिया के लोग बहुत बतिया जलावे, दुनिया के लोग बहुत बतिया जलावे, धरती आकाश बीच घूमे और घुमावे, आकाश बीच घूमे और घुमावे, दुनिया के लोग बहुत बतिया जलावे, धरती आकाश बीच घूमे और घुमावे, धरती आकाश बीच घूमे और घुमावे। हमरे गुरुजी हमरे गुरुजी उतारे भव पार बाहर आए जिंदगी में, मिल गए ले ओ जब से मिल गए ले गुरु जी हमार बाहर आए जिंदगी में, मिल गए ले गुरु जी हमार बाहर आए जिंदगी में। मन और माया में सब भर मावे, माया में सब भर मावे, गुरु बिन कोई नहीं अपने को पावे, ओ मन और माया में सब भर मावे, माया में सब भर मावे, गुरु बिन कोई नहीं अपने को पावे, कोई नहीं अपने को पावे। हमर जिंदगी हमर जिंदगी भैले सुधार बाहर आए जिंदगी में, जब से मिल गए ले हो जब से मिल गए ले गुरु जी हमार बाहर आए जिंदगी में, बाहर आए जिंदगी में, बाहर आए जिंदगी में, बाहर आए जिंदगी में, बाहर आए जिंदगी में। प्रेम से बोले कृपा सागर श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
शहर के पास जाना है। सरग यहां मेरी माँ के पांव के नीचे, नरक पीछे पड़ा, सब यहां, कोई नहीं पराया, कोई नहीं यहां, सबको एक दिन जाना है यहां। जोर करा दे के जोर से बोलिए, आदि शक्ति माता जगत जननी की, माता जगत जननी की। अभी मेरा दुख भरी गीत महाराज जी की कृपा से, मैं तो बहुत छोटा धूल हूं, उनकी कृपा, मैं जो कह रहा हूं वो मेरा भी नहीं है, उन्हीं है सब, उनकी कृपा मेरे दुख भरी। और हमारे गुरु महाराज जी ने आत्मा परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान के विषय